नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्क पीए थाउजेंड पे सिक्वेंसर बटन का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इस पे सॉन्ग रिकॉर्डिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं, ट्रैक सिलेक्शन और सिक्वेंसर का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो विंडो आपको दिख रही है डिस्प्ले पे, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें सॉन्ग रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सॉन्ग मेकिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रैक्स हैं यहाँ पर, इनको कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कैसे होगा। आप देख रहे होंगे जब मैं ये प्रेस कर रहा हूँ ट्रैक सिलेक्शन का बटन, ये तो यहाँ पर चेंज हो रही है विंडो। तो हमारे पास क्या है, ये 8 इंस्ट्रूमेंट है एक लेयर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा दबाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये बाई डिफॉल्ट है। अब देखिए इसके बगल में हमारे पास रिकॉर्डिंग का फंक्शन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जब आपका कीबोर्ड होता है नॉर्मल इस डिस्प्ले पे होता है, ये वाली डिस्प्ले पे जहाँ पर आप रिदम सिलेक्शन वगैरह करते हैं, तो आपको यहाँ जाना है लेफ्ट साइड पे, स्टाइल प्ले से आपको सिक्वेंसर पे जाना है। सिक्वेंसर पे जाने के बाद तो आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग का फंक्शन दबाओगे। ये जैसे अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं, मल्टी सिक्वेंसर, बैकिंग सिक्वेंसर या स्टेप बैकिंग सिक्वेंसर। ठीक है, आपको ये तीनों, जैसे जो आप पैड यूज़ करते हैं, रिदम यूज़ करते हैं या क्या जो बैकिंग बनाना चाहते हैं, वो वहाँ पर तीनों के सिलेक्शन हैं होते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं मल्टी ट्रैक सिलेक्शन, यानी कि पहले जो ऑप्शन पे हम लोग काम करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे, तो ये विंडो खुल जाएगी। और देखिए पहले ऑप्शन पे, यानी कि जो सिलेक्ट होता है वहाँ पर आपके रिकॉर्डिंग का फंक्शन ऑन है। अब जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको ये विंडो में थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। देखिए मैं दोबारा हटा के दिखाता हूँ, पहले इस विंडो पे यहाँ पे फंक्शन पे गौर करिएगा, खाली बीपीएम आ रहा है 120 नजर आ रहा है, टेम्पो ऑटो। अब आपको रिकॉर्डिंग का बटन दबाना है, मल्टी ट्रैक सिक्वेंसर ऑन करना। तो देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शन आए हैं, ओवरड्यू, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम और हाई, ठीक है, रेजोल्यूशन हाई, स्टार्ट एंड, टेम्पो आ रहा है और नीचे बीट सिलेक्शन आ रहा है। जैसे मान लो मेरा जो गाना है 3/6/8 पे है, 6/4 आता है यहाँ पर, और टेम्पो मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा हाई रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए जिस पे मैंने सेलेक्ट कर रखा उस पे आपको रेड लाइट होती हुई दिख जाएगी, देखिए ग्रीन से रेड लाइट। मान लो मेरे को पियानो रिकॉर्ड करना है, अब जैसे ये वाला गाना है, सबसे पहले क्या करना है, ये जैसे मैं पियानो बजा रहा हूँ तो पियानो सेलेक्ट करना है, फिर आपने ये प्लेयर का जो बटन है, प्लेयर वन पे ये जो बटन है ये प्रेस करना है, और साथ में आपको इसको ऑन कर रखना है अपने मेट्रोनोम को। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेजर दिखेगा, तो आपकी जो भी आपने टेम्पो वगैरह सेट कर रखा है, और आप ऐसे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जैसे 1 2 3 अभी आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। सबसे पहले पियानो रिकॉर्ड करते हैं, 2 3 4 5। ऐसे करके आपने रिकॉर्डिंग रोक देनी है और ये आपका पियानो रिकॉर्ड हो गया। चलिए इसको सुनते हैं, अब मेट्रोनोम बंद करते हैं। अब आपने क्या करना है, कॉर्ड देने। तो यहां पर जैसे आपके स्ट्रिंग है, पहले मैं बेस के कॉर्ड देता हूँ, तो बेस गिटार मैंने यहाँ पर, आप जाएंगे फंक्शन पे तो मैंने बेस गिटार ऐसे सेलेक्ट, कैटेगरी जो भी है आपको सेलेक्ट करनी आती है, तो आप बेस पे जाएंगे और 5 स्ट्रिंग बेस RX मैंने इसमें सब कर लिया है। अब वही सेम करना है, अपने रिकॉर्डिंग आपकी ऑन है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो मेट्रोनोम ऑन करना है, दूसरा अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। ठीक है, 2 3 4 5 6।
ये मेरा बेस और पियानो रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको जो मैंने ट्रैक सिलेक्शन का बटन बताया था रिकॉर्डिंग के बगल में स्क्रीन के आपके लेफ्ट साइड में, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए पैड, यहाँ पर डार्क पैड पहले इसमें ही मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने ये डार्क पैड यहाँ पहले ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पहला नंबर पे, तो मैंने ये सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं इसमें पैड रिकॉर्ड करूँगा पहले की तरह 3 4 5 6, ये मेरा पैड भी रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं इस पे ड्रम किट सेलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, और अब ड्रम किट में रिकॉर्ड करूंगा 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से मैंने इसमें ड्रम किट रिकॉर्ड कर दिया है। जैसे अब आपको मान लो गिटार पे कॉर्ड देने, तो आप गिटार अपने हिसाब से आप अपना म्यूजिक बना सकते हो। मैं सिर्फ एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि एक सॉन्ग पर एक छोटी सी लाइन पे लेकर के। चलिए अब आपको इस पर गिटार रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है, वही करना है फिर से 1 2 3 4 5 6। ये मेरा गिटार ऐसे रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें छोटी सी एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, ये ठीक है, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं 4 5 6। आप इसकी चाहे तो वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम कम रखूंगा। अब हमारा सॉन्ग इस टाइप का कुछ सुनने के लिए रेडी है। देखिए आइए इसको ऐसे बजाते हैं।
आप इस टाइप से कुछ भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करा मैंने, मैं एक गिटार डालना चाहता हूँ डिस्टॉर्शन टाइप का, जरा सही लगे तो। ये सेलेक्ट करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से सिक्वेंसर का यूज कर सकते हैं साथ में। अगर आपको प्ले करना है, मान लो मैंने कोई सैक्सोफोन लगा दिया, गाना प्ले करना है, और आप सॉन्ग इसको आउट भी निकाल करके अपने डॉ पे भी डाल सकते हैं, अपनी इसको एज एन MP3 भी यूज कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत जल्दी तरीके से ये बना देता है। आप इसमें साउंड की सेटिंग्स भी कर सकते हैं, कितनी वॉल्यूम लेवलिंग कर सकते हैं, ऑटो मेंशन आप इसमें राइट टाइम पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे कर सकते हैं, बाद में अगर कहाँ वॉल्यूम ज़्यादा कही है, जहाँ कहाँ कम चाहिए, ये सब कर सकते हैं। तो आप और लाइव में भी प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने गाना सेव कर लिया है, सेव करके रखा हुआ है, आप बजा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।